अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असन रज़ा फ्रॉम इस्लामाबाद। नाउ आई एम इन LLB पार्ट 3। तो मैंने अपना जो लैट की प्रिपरेशन है टेस्ट की, वो मैंने लीगल टेस्टिंग सर्विसेज से की थी। हमें इस एकेडमी ने प्रॉपर जो है गूगल मीट पे, जूम पे और सेपरेट ग्रुप बनाकर हमारी प्रिपरेशन की करवाई। और सबसे मुझे इनकी जो मज़े की बात लगी है कि मैं तो स्टूडेंट्स को रीड खुद भी करना चाहिए, तो इन्होंने हमें यूट्यूब के लिंक और रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए, जिसमें सबसे जो क्योंकि हज़ारों के हिसाब से उधर MCQs होते हैं, तो बंदा सुन लेता है MCQs को, तो वो ईजी हो जाता है उन्हें याद रखना। तो इसके अलावा हमें इन्होंने प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट तक जो थे वो हमें टीचर से, और लीगल फील्ड के रेलिवेंट जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो हमें अवेलेबल थे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर, लीगल टेस्टिंग सर्विसेज पे। और हमने बुक्स भी ली खुद से ही, लेकिन उसमें मुझे भी ये अफसोस हुआ कि उसमें 2 MCQs आए थे, लेकिन सबसे जो हमें खुशी की बात ये हुई थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जो लीगल टेस्टिंग सर्विसेज से हमने प्रिपरेशन की थी, और उसे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा, जनरल नॉलेज हो गया, पाक स्टडी, ये जो पोर्शन इस्लामिक स्टडीज़ हो गया, इसमें हमारा फ़ायदा हुआ। और जो एक पूरा फॉर्मेट होता है इसका, एसेज वगैरह का, ये हमें बताएगा। और इसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा आउट कर देते हैं, जब HEC की ऑनलाइन वेबसाइट पे जो आपने फॉर्म फिल करना होता है उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि इतना कुछ आपको मिल रहा है, ये पैकेज है, तो इसको आप लीगल टेस्टिंग सर्विसेज को ज़रूर ज्वाइन करें। और लैट का टेस्ट हो गया, और भी आपके जितने भी लीगल रेलिवेंट टेस्ट हो गए, तो उनको आप इजीली ताकि अटेम्प्ट कर सकें। जज़ाकअल्लाह खैरा, थैंक यू।